के लिए भी बता दो बता दो पूरी बात बता ये अपना मजदूरी करके खाते है ना। तुम्हारा कहना जो है तुम्हारे गाँव पहले हमारे सुनो सुन लो, अगर तुम्हारे गाँव में आने से ऐतराज है तो हम तुम्हारे गाँव में निकल जाएंगे। ऐतराज वाली बात नहीं, आप सुन लो सर। बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हम हर साल 14 अप्रैल अपने अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। भाई ये बताओ हमें शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया। हमारे हमें बराबरी का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया कि राम ने दिलाया, लक्ष्मण ने दिलाया, किस भगवान ने दिलाया हमें शिक्षा का अधिकार? बताओ, बाबा साहब ने दिलाया ना। तो जब अंबेडकर जयंती आती है हम लोग धूमधाम से मनाते, क्योंकि आज हम उनकी वजह से यहाँ पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो बाबा साहब आ रहे हैं, भगवान राम के नाम से ले रहे हैं, लक्ष्मण के राम, जिस अपने बाबा का जो भी है अपना उस नाम से ले रहे हैं। हम आपको कोई अपमान नहीं करें, लेकिन हम इनको ये सिखाना चाहते हैं बेटा इस अंधविश्वास में मत जाओ कि कोई भी आए, मान लो आज ये आए हैं, कल कोई आया उनने 5 किलो गेहूं लो, 10 किलो गेहूं लो, अगर किसी की तुम लोगों की मतलब रक्षा करनी है किसी तो गरीब की करो। भगवान इसमें नाराज नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा कि अगर आज 1 किलो गेहूं बाबा को दिए हैं तो बाबा को नहीं दोगे तो भी कुछ नहीं घट जाएगा। मंदिर में बैठते हैं, भी आशीर्वाद देके जाएंगे तुमको। ये मंदिर में बैठते हैं और ये धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। ये तुमको भड़का रहे हैं कि नहीं भड़का रहे? एक मिनट मेरी बात ये है कि नहीं हमें आज ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है, ये लाओ वो लाओ। बेटा इन सब चक्रों मत पड़ो, हमारे गांव में भी गरीब है, इनका भला करो तो अपने आप भला होगा। और मैं चीज अंधविश्वास में जितना डूबोगे तो गिरते ही चले जाओगे। तो बाबा साहब का कहना है पढ़ो और मेहनत करो, शिक्षा से ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और आप लोग हर चीज में हम लोगों को बराबरी नहीं दिला सकते। आप देख रहे हैं स्टार टीवी न्यूज़, हर खबर का असर।